भारत 24 के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है। आपका अपना और देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल है भारत 24, जिसने बहुत ही कम समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस खुशी में भारत 24 के दफ्तर में भी जश्न मनाया गया। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने केक काटकर खुशियां बांटी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत 24 ने रचा इतिहास। टीआरपी की दुनिया में फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भारत 24 की लंबी छलांग। दफ्तर में मना जश्न, केक काटकर मनाई गई खुशियां। महज 9 महीने के छोटे से अंतराल में आपके अपने चैनल भारत 24 ने इस हफ्ते की रेटिंग में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो आपकी बदौलत ही संभव हो सका है। टीआरपी रेटिंग्स की सर्वोच्च संस्था बार्क की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भारत 24 ने लंबी छलांग लगाई है और 0.6 मार्केट शेयर से उछलकर 2% तक जा पहुंचा। इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी खुशी में चैनल के अंदर आज केक काटकर जश्न मनाया गया। बीते एक महीने पहले भारत 24 फ्री डिश प्लेटफॉर्म के चैनल नंबर 59 पर आया था और इतने कम वक्त में चैनल ने मार्केट शेयर में सीधे 6% तक पहुंचकर न्यूज नेशन को भी पछाड़ दिया है। इसी के साथ ही फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भारत 24 और एबीपी न्यूज के बेहद करीब आ पहुंचा है। एबीपी न्यूज का फ्री प्लेटफॉर्म मार्केट में शेयर 6.6 है, जबकि भारत 24 के लोगों को ये भरोसा है कि अगले 2 से 3 सप्ताह में वे इस क्षेत्र में एबीपी न्यूज से आगे निकल सकते हैं। अगर हम देखें रूरल मार्केट में, फ्री डिश में, तो न्यूज नेशन से आगे हैं, 24 से आगे हैं। इंडिया टीवी 1-2 लाख का डिफरेंस है और टाइम्स नाउ नव भारत से भी 1-2 लाख का डिफरेंस है, बहुत करीब है। तो अद्भुत सफलता के लिए आप सभी को बधाई और सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन, एडिटर से लेकर एंकर तक और एंकर से लेकर सारा एडिटोरियल स्टाफ, सबको बहुत बहुत मुबारक बधाई और आशा है आगे भी आप सबका सहयोग इसी तरह से बना रहेगा और चैनल इसी तरह से आगे प्रगति करता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। तीन चैनल्स की रेस में फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भारत 24 1.54 करोड़ की रीच के साथ पहले नंबर पर है। एबीपी न्यूज की रीच 1.45 करोड़ की है तो न्यूज नेशन की रीच 1.26 करोड़ दर्शकों की है। इसी के चलते बाग की रेटिंग्स खुलने के बाद चैनल के नोएडा स्थित दफ्तर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।